हाल में जारी सालाना सफाई सर्वे स्वच्छ सर्वेक्षण के मुताबिक पश्चिम बंगाल का आसनसोल देश के 10 सबसे गंदे शहरों में से एक है। लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ये मुद्दा सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी के बीच राजनीतिक खींचतान में बदल गया है। गंदगी तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में है और वही गंदगी धीरे धीरे शहर को भी अपने कब्जे में ले रही है। देखिए, सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार स्वच्छ मिशन, स्वच्छता मिशन के तहत इतना पैसा दे रही है, वो पैसा किसके पेट में जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। जिधर जाइए उधर ही गंदगी का अंबार है। लोगों को शर्म भी नहीं है, चमड़ा भी इनका इतना मोटा हो चुका है। सर्वेक्षण का जो सर्वे हुआ उसमें भी गंदे शहरों में आसनसोल आ गया, उसके बाद भी इनको शर्म नहीं है। साफ सफाई का शहर में काम जो है तेज गति से चल रहा है। जगह जगह पर हम लोग डस्टबिन भी लगा रहे हैं, आवाम से अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग बिन में भेजें, डोर टू डोर कलेक्शन भी हो रहा है। ये साफ सफाई का जो मसला है ये चल रहा है, साफ सफाई हो रहा है शहर में, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन असल बात है भाजपा नेताओं का कि भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो गंदगी है उस गंदगी को छुपाने के लिए वो लोग शहर की गंदगी को दिखा रहे हैं। सेमी इंडस्ट्रियल टाउनशिप के कुछ लोगों का कहना है कि सर्वे में आसनसोल के इतने नीचे होने पर उन्हें शर्माती है। वे इसके लिए नगर निगम और राज्य सरकार को भी दोषी मानते हैं। जी, बड़ी दुख की बात है कि आसनसोल शहर को इतना निम्न स्तर आका गया है इस बार। तो मैं अपने आसनसोल नगर निगम के सारे अधिकारियों से निवेदन करूँगा कि उन लोगों को तो इसको लेकर एक बृहद आकार का आंदोलन छेड़ना चाहिए जिससे पूरे इस शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। अभी जो 12 साल से सरकार चल रहा है तो उन लोगों को पहले आसनसोल को क्लीन रखना चाहिए। जो अगर आसनसोल क्लीन नहीं रहेगा, या अभी जो डेंगू का कुछ दिन पहले हुआ था, डेंगू से पूरा आसनसोल हॉस्पिटल भर गया था। और भी मतलब अगर दो चार अगर बारिश हो जाता है उस टाइम पे पूरा बाढ़ आ जाता है। हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि हम आसनसोल में रहते हैं और उसका नाम डर्टी सिटी के लिस्ट में आया है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है कुछ भी। कुछ लोग या तो स्वच्छता सर्वे के रैंकिंग को गलत बताते हैं या उनका कहना है कि नगर निगम पर दोष पड़ना गलत है। नगर निगम जितना भी कोशिश कर ले, आम आदमी अगर उस कोशिश में अगर साथ नहीं चलेगा तो कभी भी कोई भी रहे कामयाब नहीं हो सकता है। इससे पहले 5 साल आगे ना ठेला से कभी भी कूड़ा नहीं उठता था। आप लोग भी पत्रकार, हम लोग भी आप लोग घर में जाता था। इस बार ठेला से भी कूड़ा उठाने का नगर निगम कर रहा, तो नगर निगम तो चेष्टा कर रहा है ना, उसके साथ साथ आम आदमी को भी करना पड़ेगा। इससे पहले भी एक बार हुआ था सर्वे, करीब मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, तब भी गंदे शहरों की लिस्ट में हमारा शहर था। पर ये सुन के अच्छा भी नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता इतना गंदा होगा, क्योंकि मैंने इससे गंदे शहर देखे हैं। आसनसोल सीट पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय सीट में से एक है। सितंबर 2021 में मौजूदा सांसद बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए थे। उसके बाद हुए उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने टीएमसी के टिकट पर ये सीट जीती थी। लोकसभा चुनाव 2024 अप्रैल मई में होने के आसार हैं।